हेलो दोस्तों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको आज एक बधाई देना चाहता हूँ। वो बधाई मैंने मेरे तरफ से नहीं है, वो तो आप सब लोग जानते होंगे। आज का दिन धनतेरस है। तो सबसे पहले वीएनएम केमिस्ट्री की तरफ से आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी फिनॉल का कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोग फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया जाता है, फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी। हालांकि आपको पता ही है, केमिकल प्रॉपर्टी को मैं शॉर्टकट में सीपी लिखता हूं। तो सीपी ऑफ फिनॉल ये हो गया। तो सर, केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल का पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल का अम्लीय नेचर, अम्लीय प्रकृति। हालांकि कैसे प्रूव करेंगे? चलो मान लो मेरे को फिनॉल दे दिया गया, मैंने तो बस इतना ही पढ़ा है किताब में कि फिनॉल अम्लीय नेचर का होता है, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। लोग अप्रूव करना है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है, कोई बोल दिया अप्रूव करके दिखाओ, तो क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करता है, फिनॉल में मेटल मिलाते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, और जब उसको जलाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ में जलेगा, यानी पाड़ 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 करके जलेगा, ऐसा आवाज उसमें से निकलता है। तो यही हम लोग समझेंगे आज फिनॉल के बारे में। तो सबसे पहले फिनॉल का एसिडिक नेचर समझने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे, गारंटी है समझ में आएगा ही आएगा, चाहे आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान से समझना बेटा। देखो, ये है फिनॉल। अब फिनॉल को शॉर्ट में भी लिखेंगे हम लोग, पीएचओएच लिखते हैं, इतना तो क्लियर होगा। ऑक्सीजन हमारा जो है इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग, तो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, तो हाइड्रोजन हमारा यहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अब एसिडिक नेचर का है मतलब एच प्लस बाहर निकालेगा, जब एच प्लस बाहर निकालेगा तो तुम यहां पर लेके आ जाओ सोडियम मेटल। कौन सा मेटल? सोडियम मेटल लेके साथ आओ, यानी यहां पर इसके अंदर भी ये रिएक्शन है, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, यानी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो अब देखो क्या होगा, सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हालांकि अब तुम चाहोगे तो दो मोलों की बैलेंस कर सकते हो, लेकिन मान लो मुझे हमको ऐसा ही बैलेंस करना है, तो यहां से हाइड्रोजन का एक एटम बाहर निकलेगा। जब एक एटम बाहर निकलेगा तो इसको ऐसे लिख दो H2, यानी 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब हाइड्रोजन का एक ही एटम होगा। अब क्या होगा, PHO बनेगा, इसके साथ में Na लगा दो, PHONA। हालांकि ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम पे प्लस होता है, इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। और ये तुम्हारा कौन सा गैस निकल गया, हाइड्रोजन, यहां पर जी लिख देते हैं, मतलब गैस निकल गया। तो यानी देखो, धातु के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो साल्ट बना रहे, हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, इससे ये पता चलता है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। अगर मान लो तुम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते, यह है PHOH। अब चलो एल्यूमिनियम लेकर के आ गए हो, इसको करते हैं यहां पर। तो देखो, यहां से जो फिनॉक्साइड आया यानी PHO- बनता है, वो यहां पर एक मोल बन रहा है, जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तब। अब तुम यहां पर एल्यूमिनियम का एक एटम लेके आए हो, और तुमको पता है कि एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है तो 3 माइनस वाला चाहिए, मतलब फिनॉक्साइड आए हमको 3 मोल चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा। तो यानी कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा PHO का होल थ्राइस Al, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा।
तो देखो यानी हमको यहां पर क्या करना था सर, हमको यहां पर इसको 6 मोल लेना था। जब तुम यहां से 6 मोल लोगे तो यहां पर क्या लगा दोगे, यहां पर लगा दोगे 2 एल्युमिनियम भी 2 और 2 एल्युमिनियम फिनोक्साइड आयन 3 बार, यहां से भी 3 और 6 बार हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकला, ये रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस हो गया। बैलेंस नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो देखो एल्युमिनियम के साथ सोडियम मेटल के साथ में फिनॉल जब रिएक्ट करता है बेटा तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है और साल्ट बना लेता है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। अब देखो, अच्छा ये तो पहला तरीका था प्रूफ करने का कि मतलब फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो तो उसमें मेटल मिला दो, आराम से हमको पता चल जाएगा भाई साहब कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो दूसरा कोई तरीका हो जिससे और पता चल सके आसानी से, सोचो 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 और बताओ। सोचो और बताओ दूसरा तरीका है। देखो क्या है दूसरा तरीका, यह है रिएक्शन विथ बेस, बेस बेस मतलब क्षार, क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा। देखो यह है फिनॉल PHOH, अब तुम यहां पे NaOH लेके आ जाओ तो तुम्हारे यहां से क्या जाएगा, देखो यहां से H और यहां से OH, ये मिलकर के पानी बना लेगा, पानी के बाद PHO हो जाएगा और साथ में Na, वाटर बनेगा और सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तुमको क्या करूं, बहुत लोगों को बेंजीन रिंग बनाने आता है लेकिन वो क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग बनाएंगे जरूर, अब फिनॉल भी लिखेंगे ऐसे भी लगाएंगे। अच्छा देखो सबसे मस्त बात क्या है, ऐसे भी लिखेंगे, ये दोनों रिएक्शन सेम है ठीक है, मेरा बात ध्यान से समझना, ऐसे भी लिखेंगे और यहां पर वो NaOH भी लिख लेंगे, यहां तक कि वो यहां पे NaOH ही लिख लेंगे। लेकिन उन गधों को यही नहीं पता कि जब तक इसमें रिंग नहीं बनाएंगे तो फिनॉल नहीं होगा, ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन के कैटेगरी में चला जाएगा यार, हो गया पूरा मैटर खत्म, पढ़ रहे थे फिनॉल लिख दिए अल्कोहल के बारे में तो घंटा सही होगा। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर जो नहीं बनाना चाहता तो सबसे आसान तरीका है कि ऐसे बनाओ, रिंग बनाने का झंझट ही खत्म। तो देखो समझते हैं, रिंग बना लेते हैं, अब फिनॉल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये या अब देखो लगा दो ए या, कितना आसान है केमिस्ट्री देख लो, ये वाटर बाहर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी चलता है ठीक है ना। तो बेस ऐड कर दोगे तो इसका मतलब है कि साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। अब देखो एक मस्त बात, अब क्या होता है यहां पर एग्जाम में हमसे कभी कभी फंसाने के लिए ये भी पूछ लेता है, क्या होता है जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया जाता है। फिर से सुनना, क्या होता है जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया जाता है, थोड़ा सा देख लो वीडियो क्लियर चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, तो देखो वही होता है जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया जाता है, वही होता है, मतलब अभी मैं लिखने वाला हूं। देखो यह है फिनॉल, जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ कराओगे तो सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन ही नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। देखो ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर फिनॉल जो है, फिनॉल एक वीक एसिड होता है और जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर H2CO3 बनता, हालांकि मान के चलो मैं रिएक्शन करा दे रहा हूं तो यहां से H2CO3 बनता और H2CO3 एक वीक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो लेकिन ये H2SO3 यहां पे फिनॉल से जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड है, ये इससे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो ये वीक नेचर का होने के कारण रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो इस बात को ध्यान देना। तो यहां पर रिएक्शन वगैरह नहीं होता है। तो अगर तुम फिनॉल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे तो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाला नहीं है,
क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा सर, फिनॉल जो होता है ये वीक एसिड होता है। अब चलो एक बात यहां पर ध्यान से समझना, अब यहां पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे एल्कोहल और फिनॉल में कि एल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा अम्ली नेचर का कौन होता है। सबसे पहले हम लोग ये कंपेयर करेंगे, तो ध्यान से सुनना, दोनों में से सबसे पहले H प्लस आयन को निकालते हैं। ये देखो एल्कोहल है भाई, H लगाना चाहिए, तो जब यहां से H निकालोगे तो RO माइनस बनेगा। अब ये है फिनॉल, जब फिनॉल में से H निकालोगे तो PHO माइनस बनेगा, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। अब देखो एक बात मेरा ध्यान से समझ लो, जैसे मान लो ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड का मतलब रहता है कि जहां में जहां पर एसिड में हाइड्रोजन आ जाता है उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो जब भी ऑक्सो एसिड आ जाए हमसे बोले कि बताओ इनमें से ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन है, तो उसमें क्या करेंगे, उस एसिड से H प्लस निकाल देंगे। H प्लस निकालने के बाद, बात को ध्यान से समझो, ये हो गया एसिड, इस एसिड से जब H प्लस निकालोगे तो H प्लस निकालने के बाद जो ये बनेगा इसको कंजुगेट बेस कहते हैं, संयुग्मी क्षार कहते हैं, और बनने वाला संयुग्मी क्षार अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो एसिड हमारा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो मान के चलो कि ये सब क्या है, एसिड है, एसिड से H प्लस निकाल दिए तो ये सब क्या है, कंजुगेट बेस है। अब ये कंजुगेट बेस है एल्कोहल का, ये कंजुगेट बेस है फिनॉल का। अब तुमको यही चेक करना है कि इन एल्कोहल फिनॉल के कंजुगेट बेस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस किसका है, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो सबसे पहले यहां पर अगर तुम एल्कोहल में देखोगे तो यहां पर केवल आर जुड़ा है और ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, आर यहां पे दिखाएगा प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यानी यहां पर ये ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है, तो इस केस में वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एच प्लस को फिर से खोजने लगेगा, और इस एच प्लस को फिर से खोजने लगेगा तो यहीं पर इंटरेक्शन के साथ में लगा रहेगा और एच प्लस आसानी से नहीं निकलेगा, मतलब एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। लेकिन फिनॉल के केस में क्या होता है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो होता है रेजोनेंस करता है बेंजीन रिंग के साथ में। अब रेजोनेंस करेगा तो वो बराबर घूमेगा, अब घूमेगा तो कहीं ना कहीं इसके मिलने का जो संभावना है वो कम होने लगेगा, यानी मॉलिक्यूल न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, और न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब एसिडिक नेचर कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। तो अब मैं इसका रेनेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, एक बार देख लो वीडियो क्लियर चल रहा है कि नहीं। हाँ एकदम क्लियर चल रहा है। अब देखो समझो फिनॉक्साइड आयन का रेनेटिव स्ट्रक्चर, देखो ये माइनस है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इस माइनस को यहां पे लाना है, इस डबल बॉन्ड को यहां पे तोड़ना है, तो देखो कैसे बनेगा। ये डबल बॉन्ड पहले से ही लगा दो, इसको भी पहले से ही लगा दो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो माइनस, अब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन। अब इस डबल बॉन्ड को घुमाओ यहां पे, इसको यहां पे लेके आओ, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये टूटा तो यहां पे माइनस आएगा, और इस बॉन्ड का यहां पे माइनस, यहां पर एक डबल बॉन्ड पहले से ही है, डबल बॉन्ड वो लगा दो, बस यही घुमाना है तुमको और क्या। देखो ये यहां पे आएगा, इस वाले को यहां पे तोड़ो तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये बॉन्ड है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये डबल बॉन्ड को भी रहने दो। अब देखो इस माइनस का यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे माइनस आ गया। अगला देखो ये माइनस यहां पे आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। अच्छा कब तक बनाते हैं, तो जब स्ट्रक्चर रिपीट होने लगता है तो बनाना बंद कर देते हैं, इस बात को भी ध्यान से समझ लो। तो डबल बॉन्ड यहां पे लगा दो, यहां पे डबल बॉन्ड है लगा दो,
एक माइनस का डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, देखो ओ माइनस वापस से आ गया, तो अब रिपीट होने लगा तो बनाना बंद कर देंगे। तो देखो सबसे पहले ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर था, फिर यहां पर आया, देखो फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां ऑक्सीजन पर गया, मतलब ये बराबर घूम रहा है। अब घूम रहा है तो इसका मतलब है कि ये गायब होने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो तुम मेरे को खोजने आ जाओ मेरे घर पे, अब पता चला कि हम एकदम दुनिया के सबसे घुमक्कर प्राणी हैं। अब घुमक्कर प्राणी हैं तो इसका मतलब हम दिन भर घूमते रहेंगे, तो तुम जब जब आओगे हम यहाँ पे तुमको मिलेंगे ही नहीं यार, तो हमारे मिलने का संभावना यहाँ पे कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम गायब होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये भी गायब होने का कोशिश कर रहा है, तो न्यूट्रल बनेगा। कैसे? जब चार्ज गायब होगा तो न्यूट्रल ही बनेगा ना, और न्यूट्रल स्पीशीज दुनिया में स्टेबल होते हैं चार्ज के कंपेयर में, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। तो जब न्यूट्रल हो गया तो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग फिनॉल क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही रीजन है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर होगा? अब मैं यहां पर तुमको कुछ और बताना चाहता हूं अपने तरफ से, कुछ कंपाउंड है उनका एक चार्ट बना देता हूं। सबसे पहले ध्यान से समझना उस चार्ट को, एक मस्त बात बताऊंगा। इंक जम जाता है तो जल्दी मिटता नहीं, यही मैटर है। आज फिनॉल का एसिडिक नेचर पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, टेंशन मत लो एकदम। तो सबसे पहले कंप्लीट करना ही है, हाँ। तो चलो देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बात लिखा है। सबसे पहले देखो ये कंपाउंड है कुछ, इसमें ये फिनॉल के ही कंपाउंड है, नीचे वाला केवल इथेनॉल है, मतलब एल्कोहल है। और यहाँ पर इनका ये फॉर्मूला लिखा गया, ये इनका पीके वैल्यू लिखा गया है। तो पीके वैल्यू क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले ये समझो, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, आर्थो क्रिसाल, मेटा क्रिसाल, पैरा क्रिसाल, इथेनॉल। अब इनमें से ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं होगा जिसका फॉर्मूला मैंने तुमको न बताया हो, जिसका स्ट्रक्चर मैंने तुमको न बताया हो। ये इनका फॉर्मूला फिर भी लिखा हुआ है और इनके ये पीके ए का वैल्यू लिखा है। बार बार सर पीके ए बोल रहे हो, इसका मतलब तो समझा दो। तो देखो बात ध्यान से समझो, सबसे पहले पीके ए जो वैल्यू होता है इससे हम लोग कंपाउंड के एसिडिक नेचर के बारे में बताते हैं। अभी अभी मैंने जो तुमको बताया है कि एल्कोहल और फिनॉल के बारे में, कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक नेचर कौन होता है, तो मैंने तुमको ये भी बताया कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि फिनॉल जब एच प्लस आयन निकालता है तो उसका जो बनने वाला कंजुगेट बेस यानी संयुग्मी क्षार जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग फिनॉल जो होता है ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है। लेकिन वो तो मैंने स्टोरी सुनाया है, जो स्टोरी बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी कंपाउंड के एसिडिक नेचर के बारे में आइडिया लगाया जाता है तो वो है पीकेए वैल्यू, वो है पीकेए वैल्यू, जो कि एक्सपेरिमेंटल होता है और सही मायने में यही सही होता है। और वो जो बताया जाता है तुमको ना कि ये फैक्ट है वो फैक्ट है, वो सब कहानी बनाया जाता है बात को सही करने के लिए। देखो आज मैं तुमको रियलिटी बता दे रहा हूं, बात को सही करने के लिए उसमें कहानी ऐड करते हैं, ये फैक्टर एनालाइज करते हैं, लिख देते हैं कॉपी में। लेकिन सही तरीका है डाटा, डाटा कभी गलत नहीं होता है। तो डाटा के बेसिस पे अगर बात करोगे तो देखो ये पीके वैल्यू है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, पीके ए यहीं पे लिखते हैं, यहां पर दिख रहा है कि नहीं एक बार देख ले पहले। हाँ दिखेगा, पीके ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ही वीक होगा। देखो इस बात को तुमको याद रखना है, अगर पीके ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसके कंपेयर में एसिड हमारा वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। हालांकि जो हमारा पीके ए और के जो होता है जिसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, इनमें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा पीके ए वैल्यू किसका है? एल्कोहल का है, जो कि इथेनॉल है। अब हालांकि ये सारे के सारे हमारे फिनॉल के डेरिवेटिव हैं, तो फिनॉल से बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक नेचर के होंगे। तो यानी 15.9 पीके ए वैल्यू है इथेनॉल का, तो इथेनॉल इन सब में सबसे वीक होगा।
सबसे वीक एसिड होगा। हाँ अब देखो इन तीनों के बारे में मैं बता देता हूं, तो आप तो तुमको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, सबसे जिसका कम पीकेए होगा, सबसे कम पीकेए किसका है 7.2 आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अब देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसा दिखता है, ये है OH NO2, यहां पर क्या है OH NO2, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, और यहां पर क्या है OH NO2, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब बात को जरा ध्यान से समझना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है, यानी इसका जो कंजुगेट बेस होगा मेटा और पैरा के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे देखो समझो, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर, देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर यही है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये हमारा जो होता है सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो रीजन वही है जो मैंने तुमको भी, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा यही वाला। लेकिन यहां पे देखो डाटा से चलोगे वैल्यू 7.2 है, ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। मेटानाइट्रोफिनॉल कहां पे है भाई साहब, इसका 8.2 है, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है 7.1 है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, सॉरी देख लो ऑर्थो से ज्यादा तो हमारा पैरा है भाई साहब, रीजन मैं बता देता हूं, वैल्यू तो हम लोग भूल ही गए, इसको तो ध्यान ही नहीं, देखो 7.1 है। रीजन है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो यहां से इसका निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, जब यहां से आसानी से नहीं निकल पाएगा। लेकिन पैरा वाले में तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आसानी से H+ आयन निकाल सकता है, आसानी से H+ आयन निकल जाएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो इसलिए रीजन यही है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, फिर उसके बाद हमारा मेटा आएगा ऑर्थो, देन फिर हमारा लास्ट में आता है मेटा। तो यानी सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर इससे कम हमारा होगा ऑर्थो, फिर लास्ट में आ जाएगा मेटा। तो इस तरीके से तुमको इस बात को याद रखना है कि जिसका पीकेए वैल्यू ज्यादा होगा वो हमारा वीक एसिड होगा, और जिसका पीकेए वैल्यू हमारा कम होगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर का ज्यादा होगा। तो इस तरीके से यहां पर ये कंप्लीट होता है। तो फिर से धनतेरस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग खुश रहिए, अच्छे से दिवाली मनाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।